Hello everyone, today I am going to teach you looking around subject and chapter number 18 है games we play. ना आगे बताइए आपको इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स जो इंडोर घर में खेली जाती है दरवाजे घर के अंदर उसे इंडोर कहते हैं और जो घर के बाहर खेलते हैं वो गेम आउटडोर होती है. जैसे कैरम है, चेस बताया, स्नैक्स एंड लैडर्स, प्लेइंग कार्ड्स, लूडो है और हाउस हाउस जो हम घर घर खेलते हैं वो तमाम इंडोर गेम्स हैं. और आउटडोर गेम्स में जैसे लंगड़ी टांगे, फिर क्रिकेट है, हॉपस्कॉच है, मार्बल्स है, काइट एंड देन काइट फ्लाइंग एंड हाइड एंड सीक, दे आर आउटडोर गेम्स. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस. हमें नीचे क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर लिखना है 1 or 2 सेंटेंस में. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस. नंबर 1 है WHICH, विच गेम वेयर द चिल्ड्रन CHILDREN चिल्ड्रन PLAYING प्लेइंग इन द SOCIETY सोसाइटी. विच गेम वेयर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द सोसाइटी. इसमें लिखा हुआ है कौन सी गेम खेलते हो आप सोसाइटी में, कौन सी गेम खेलते हो. आंसर द चिल्ड्रन, बच्चे जो है वो सोसाइटी में कौन सी गेम खेलते थे. आंसर द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग हॉप स्कॉच इन द सोसाइटी. द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग हॉप स्कॉच इन द सोसाइटी. नंबर 2, WHAT, what is NEEDED needed, यानी क्या है, क्या चाहिए हमें, क्या जरूरी है टू प्ले हॉप स्कॉच. हॉप स्कॉच जो गेम है वो हमें क्या चाहिए उसमें. आंसर अ मार्कर इज नीडेड. अ मार्कर इज नीडेड, क्या जरूरी है हॉपस्कॉच में. मार्कर थिप्पी जो होते हैं, मार्कर इज नीडेड इन टू प्ले हॉपस्कॉच. तो जो मार्कर मार्क करते हैं, जो बनाते हैं पाला, वो उसमें क्या यूज करते हैं. अ मार्कर इज नीडेड टू प्ले हॉपस्कॉच. नंबर 3, WHICH, विच गेम्स GAMES, विच गेम्स DID डीड. चाची प्ले कौन सी गेम खेल रही थी चाची, फैन शी वॉज अ चाइल्ड. जब चाची बूढ़ी थी, जब बड़ी छोटी बच्ची थी, तो चाची कौन सी गेम खेलती थी. विच गेम्स डीड चाची प्ले वैन शी वॉज अ चाइल्ड. जब चाची छोटी थी तब वो कौन सी गेम खेला करती थी. आंसर है चाची यूज्ड टू प्ले लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स, कबड्डी एंड मेनी अदर गेम्स. जब चाची जब बचपना था, जब चाची छोटी थी तो क्या क्या कौन से खेल गेम्स खेलती थी. चाची यूज्ड टू प्ले लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक. लंगड़ी टांग जो खेलते हैं अपने गोल के सर्कल बनाते हैं, सर्कल में 2-3 बच्चे होते हैं, एक लंगड़ी लेता है उससे पकड़ता है, जो पकड़ा है तब आउट हो जाता है, दूसरा आता है, ऐसे क्या है उसे लंगड़ी टांग बोलते हैं. एक पैर ऊपर रखा जाता है और लंगड़ी लेके उसे सबको पकड़कर आउट करना होता है. हाइड एंड सीक यानी आंख मिचौली का खेल खेलती थी. 7 टाइल्स जो हम सितोलचा बोलते हैं उसे, 7 टाइल्स की गेम खेलती थी. कबड्डी, देखिए कबड्डी भी खेलती थी वो, कबड्डी 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 बोलकर जाते हैं दूसरे पाले में और जिसको छूकर आ जाए वो आउट हो जाता है, लेकिन अगर हम पकड़े गए और हमने मुंह से कबड्डी कबड्डी बोलना बंद कर दिया तो हम आउट हो जाते हैं. तो कबड्डी एंड जो कबड्डी भी खेलती थी और बहुत सारी दूसरी गेम भी खेलती थी.
चाची यूज्ड टू प्ले लंगड़ी टांग हाइड एंड सीक सेवन टाइल्स कबड्डी एंड मेनी अदर गेम्स. नंबर फोर, विच गेम्स लीड चाचा. अभी चाची कौन सी गेम खेलती थी जब वो बच्ची थी छोटी. अब चाचा प्ले व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. जब चाचा छोटे थे तब वो भी कौन सी गेम्स खेला करते थे. आंसर लिखेंगे चाचा यूज्ड टू प्ले वेरियस गेम्स. मुख्तलिफ गेम्स जो होते खेल खेलते थे चाचा. लाइक मार्बल्स, जैसा जो होते हैं मार्बल्स, मार्बल्स लखोटी होती है आंटी जो बोलते हैं वो खेलते थे. सेवन टाइल्स सितोलचा खेलते थे. रेसलिंग और कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड काइट फ्लाइंग. देखिए ये भी कितनी सारी गेम्स खेलते थे चाचा. एक तो मार्बल्स है, सेवन टाइल्स है, रेसलिंग है, रेसलिंग यानी जो कुश्ती लड़ते हैं वो, कबड्डी है, गिल्ली डंडा खेलते थे और एंड काइट फ्लाइंग और जो पतंग उड़ाने का भी गेम वो खेलते थे जब वो चाचा क्या थे छोटे थे. उनका बचपन में ये तमाम गेम्स वो खेलते थे. चाचा यूज्ड टू प्ले वेरियस गेम्स लाइक मार्बल्स, सेवन टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड काइट फ्लाइंग. नंबर फाइव, व्हाई डिड द चिल्ड्रंस गेम स्टॉप. क्यों भाई क्यों बच्चों की गेम बंद करवा दी गई. अभी लेसन है, हम लेसन बाद में पढ़ते हैं लेकिन ये क्वेश्चन बताया है व्हाई डिड द चिल्ड्रंस गेम स्टॉप. क्यों बच्चों की गेम रोक दी गई, खेलते खेलते क्यों रोक दी गई उनकी गेम्स. आंसर लिखेंगे द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग विथ चाची. बच्चे किसके साथ खेल रहे थे, चाची के साथ खेल रहे थे. व्हेन इट सडनली, जब अचानक क्या हुआ, स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई, बारिश चालू हो गई, क्या है इसके लिए, सो देयर गेम स्टॉप्ड. इसके लिए उन लोगों का गेम जो था जो खेलता वो रोक दिया गया क्योंकि बारिश हो रही थी. बारिश में खेलेंगे बाहर तो भीग जाएंगे, भीगने के हिसाब से क्या है जो गेम थी उसको स्टॉप कर दी गई, कर दी गई वो गेम को. तो द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग विथ चाची व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग सो देयर गेम स्टॉप्ड. नंबर सिक्स है, विच गेम्स डिड द चिल्ड्रन प्ले आफ्टर गोइंग टू चाचीज हाउस. बच्चे कौन सी गेम खेलते थे जब वो चाची के घर जाते थे. तो विच गेम्स डिड द चिल्ड्रन प्ले आफ्टर गोइंग टू चाचीज हाउस. आंसर है आफ्टर गोइंग टू चाचीज हाउस द चिल्ड्रन प्लेड हाउस हाउस कैरम एंड चेस. बच्चे सभी क्या है इंडोर गेम्स खेला करते थे. तो आफ्टर गोइंग टू चाचीज हाउस द चिल्ड्रन प्लेड कैरम एंड चेस. After going to Chachi's house, the children played house, carom and chess. Chachi के घर जाने के बाद बच्चे क्या करते थे, घर घर खेलते थे carom और chess खेला करते थे. After going to Chachi's house, the children played house, carom and chess. Number seven, which game were Chacha and Aunt Bua playing when the children went to Chachi's house. कौन सी गेम बच्चे खेला करते थे,
चाचा एंड आंट, जब वो लोग चाची घर जाते थे तो बुआ जो थी और जो चाचा थे, चाचा एंड आंट, जो चाचा और आंट थे और यानी बुआ, चाचा और बुआ कौन सी गेम खेला करते थे जब बच्चे उनके घर जाते थे चाची के घर, तो when the children went to chachi's house, chacha and aunt bua were playing chess. जब बच्चे हैं चाची के घर जाते थे तो चाचा और जो आंट थी जो बुआ थी दोनों चेस गेम खेला करते थे. When the children went to chachi's house, chacha and aunt bua were playing chess. Number 8. Which game does Parthiv Patel play? Parthiv play जो है Parthiv Patel कौन सी गेम खेलते हैं? Parthiv Patel plays cricket. Parthiv Patel है वो क्या है, क्रिकेटर है, वो कौन सी गेम खेलते हैं, क्या है, क्रिकेट. Parthiv Patel plays cricket. Question 7. Answer the following questions. नीचे जो दिए गए हैं क्वेश्चन उनके हमें आंसर लिखना है. Number 1. WHAT, what do your family members do besides their work? तुम्हारा जो फैमिली मेंबर हैं काम हो जाने के बाद कौन सी गेम खेलते थे. क्वेश्चन नंबर 1 फिर से देखते हैं. व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स डू बिसाइज देयर वर्क, अपना काम पूरा हो जाने के बाद जो फैमिली मेंबर क्या करते हैं, बिसाइज वर्क काम हो जाने के बाद, काम छोड़कर वो लोग क्या है हो जाने के बाद. माय फैमिली मेंबर्स रीड पढ़ते हैं, चैट करते हैं, फोन में बातें करते हैं, गो फॉर वॉक्स बाहर घूमते हैं, जरा बाहर निकलते हैं, जॉगिंग करते हैं, गो टू द टेम्पल मंदिर जाते हैं, वाटर द गार्डन पानी पिलाते हैं गार्डन को बगीचे को, एंड इंटरेक्ट यानी बातचीत करते हैं विथ द नेबर्स पड़ोसियों के साथ बातें करते हैं, इन देयर फ्री टाइम यानी जब उनका काम हो जाता है उसके बाद जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं तो कोई किताब है नॉवेल है पढ़ते हैं, चैट करते हैं, गो फॉर वॉक्स घूमने के लिए बाहर निकलते हैं जाते हैं, गो टू द टेम्पल मंदिर जाते हैं, वाटर द गार्डन जो गार्डन होता है घर का गार्डन होता है उसे वाटर पानी पिलाते हैं, गार्डन जो है उसको प्लांट्स को पानी देते हैं, एंड इंटरेक्ट विथ द नेबर्स और जो पड़ोसी हैं उनसे बातचीत करते हैं इन देयर फ्री टाइम. नंबर 2. हाउ डू वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग गेम्स, हमें जो गेम्स खेलते हैं खेल खेलने से क्या फायदे होते हैं, हाउ डू वी बेनिफिट हमें बेनिफिट मिलता है, कैसे फायदे होते हैं फ्रॉम प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं वो हमें लिखना है. वी गेट द फॉलोइंग, नीचे जो दिए गए हैं बेनिफिट्स बाय प्लेइंग गेम्स. वी गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स बाय प्लेइंग गेम्स, नीचे जो बताए गए हैं जो फायदे होते हैं हमें किससे होते हैं गेम्स खेलने से, नीचे दिए गए जो है जो पॉइंट है वो हमारे हमको क्या है फायदे होते हैं उससे गेम्स से. नंबर 1 बताया है अवर बॉडी बिकम्स, यानी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल लचकदार हो जाती है, ये गेम्स खेलने से बॉडी क्या है एक्टिव रहती है, अवर बॉडी बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी तंदुरुस्त रहती है, हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त रहता है लचकदार और कैसा है तंदुरुस्त रहता है. नंबर 1 है अवर बॉडी बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी. नंबर 2 various वेरियस स्किल्स आर डेवलप्ड
विथिन अस। जो अंदर हमारे जो शक्तियां जो अच्छी खूबियां छुपी हुई हैं उनका क्या होता है, डेवलप होता है उसका विथिन अस। तो वेरियस स्किल्स आर डेवलप्ड विथिन अस। नंबर थ्री, द फीलिंग ऑफ लिविंग टुगेदर डेवलप्स। जो होते हैं आपस में जो हम मिलकर मिलजुल कर रहते हैं उसकी हमें क्या होती है, जो फीलिंग्स है वो भी डेवलप होती है। साथ में जो गेम्स खेलते हैं तो क्या है, साथ में जो हमें अच्छी चीजें फील होने का, साथ में जो रहते हैं उसके क्या है, हमारी जो फीलिंग्स है उससे भी डेवलप होती है। द फीलिंग ऑफ लिविंग टुगेदर डेवलप्स। नंबर फोर, वी फील हैप्पी। हमें क्या है, खेल खेलने से हम खुश रहते हैं। ऑन विनिंग एंड लर्न टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स। हमें खुशी होती है जो हम विनिंग जो जीतते भी हैं और लर्न टू एक्सेप्ट और एक्सेप्ट भी करते हैं जो हमारी भूलें होती हैं। द मिस्टेक्स वी मेड व्हेन वी लॉस। जब हम कोई चीज को क्या है, खेलते खेलते हम हार भी जाते हैं या जीतते भी हैं तो हमारी जो गलतियां होती हैं उसके क्या है, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ कर लेते हैं खुशी खुशी। द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इंक्रीजेस। द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इंक्रीजेस। नंबर फाइव, गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप अवर बॉडी एज वेल एज अवर माइंड। एक तो क्या है, खेल खेलने से बॉडी का डेवलपमेंट तो होता है और साथ ही साथ हमारा जो मगज है उसका भी क्या है, उसका भी ग्रोथ होता है। वो भी क्या है, माइंड भी हमेशा खुश रहता है। माइंड क्या है, हमारा भी वहाँ वो भी हेल्दी रहता है। तो हाउ डू वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग गेम्स। वी गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स बाय प्लेइंग गेम्स। नंबर वन, अवर बॉडी बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी। नंबर टू, वेरियस स्किल्स आर डेवलप्ड विथिन अस। द फीलिंग ऑफ लिविंग टुगेदर डेवलप्स। नंबर फोर, वी फील हैप्पी ऑन विनिंग एंड लर्न टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स वी मेड व्हेन वी लॉस ऑब्लिक द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इंक्रीजेस। नंबर फाइव, गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप अवर बॉडी एंड एज वेल एज अवर माइंड। एक्चुअल एक्टिविटी बताई गई है। नंबर वन है, डू यू प्ले, तुम खेलते हो एंड गेम सिमिलर टू हॉप स्कॉच। और डू यू कॉल इट, तो तुम हॉप जो स्कॉच गेम खेलते हो उसको क्या बोलते हो। Draw the picture that you make to play the game in the space below। यहाँ पर पिक्चर बनानी है हमको और पिक्चर बतानी है। तो do you play any game similar to hopscotch? What do you call it? तुमसे क्या कहते हो। Draw the picture that you make टू प्ले द गेम इन द स्पेस बिलो। नीचे जो स्पेस दिया है वहां में ये गेम को क्या है, ड्रॉ करके बताना है। आंसर लिखा हुआ है दिस। देखिए गेम बताई गई हॉपस्कॉच। दिस जब लंगड़ी पाला जिसको हम बोलते हैं, दिस गेम इज जस्ट लाइक हॉपस्कॉच एंड इट्स नेम इज क्या है, रोटलो। क्या है इसका नाम है, जैसे हम लंगड़ी पाला खेलते हैं, हम जो कहे एक जो पत्थर लेते हैं उसको डालते हैं फिर जाते हैं, फिर दूसरे पे जाता, अगर बाहर निकल जाता है तो हम आउट हो जाते हैं, यानी हमारा गेम हट जाता है, दूसरा आता है। तो इस तरह ये गेम बताई गई है। तो ये जो हॉपस्कॉच है या नहीं, इसका नेम क्या है, रोटलो है। तो दिस गेम इज जस्ट लाइक हॉपस्कॉच
एंड इट्स नेम इज रोटलो. इसका नेम बताया है, रोटलो ने बताया इसका, टू और मोर प्लेयर्स, दो या ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, कैन प्ले खेल सकते हैं दिस गेम एट वन टाइम. एक टाइम में क्या है, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा प्लेयर्स इस गेम को खेल सकते हैं. देखिए बताया है, हम लंगड़ी पाला खेलते हैं, ऐसे नंबर डाल लेते हैं जहां हमारा पत्थर जाता है. हमारा अगर वन पे गया फिर टू पे गया, अगर थ्री पे, टू के पहले थ्री पे चला गया तो गेम क्या है, हमको हट जाना पड़ता है. अगर हमारा एक के बाद जाता रहा तो हम फिर जो आठ जो हो जाते हैं पूरे नंबर, तो हमारा एक घर बन जाता है. तो इसे क्या बोलते हैं, रोटलो गेम बोलते हैं. इसमें दो या दो से ज्यादा प्लेयर्स खेल सकते हैं.